हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से शिवानी कुमारी का इविक्शन हो चुका है और इविक्शन के बाद शिवानी का पहला इंटरव्यू भी सामने आ गया है जिसमें उन्होंने जहर उगला है कृतिका मलिक को लेकर। इतना ही नहीं, अरमान की भी लगा दी है शिवानी ने क्लास। क्या कुछ कहा है इन दोनों को लेकर, चलिए गाइज आपको बता देती हूँ अपने इस वीडियो में। और अगर नए हैं चैनल पर तो बिना देरी किए गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर 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 कर लीजिएगा। दरअसल शिवानी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो कृतिका है वो उनके बदले घर से इविक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि वो घर में फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही है। उनसे ज़्यादा तो शिवानी ही अच्छे से एंटरटेन कर रही थी, लोगों को हंसा रही थी। और यहाँ तक कि जब रिपोर्टर ने कहा कि आपको छोटे अखबार का खिताब दिया गया, तो इस पर भी शिवानी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं अगर छोटा अखबार हूँ तो कृतिका मलिक बड़ा अखबार है, उनका कुछ भी घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वही कृतिका के पति अरमान पर भी भड़ास निकाली है शिवानी ने और साफ शब्दों में कह दिया है कि अरमान भाई तो सबका ब्रेन वॉश करते रहते हैं, उन्हें अपने गेम में तभी मजा आता है जब वो दूसरों को गलत सीख देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं और उसका दिमाग जो है वो घुमा देते हैं अपनी बातों से। खास करके जो शिवानी है वो अरमान को लेकर ये कहती नजर आई है कि अरमान ने अक्सर उसका ब्रेन वॉश किया है घर के अंदर, उसके गेम को बिगाड़ने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं शिवानी को घर से बाहर आने का मलाल है, क्योंकि वो सोचती है, वो मानती है कि वो कृतिका से बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थी और यही वजह है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे बदले कृतिका को घर से बाहर होना चाहिए था। आपकी क्या राय है, क्या है कहना, ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।